जब श्री कृष्ण ब्रज में अवतार लेकर आए तो छोटे से बाल गोपाल के दर्शन करने के लिए शंकर जी कैलाश से अपनी समाधि को छोड़कर छोटे से बाल गोपाल के दर्शन करने के लिए ब्रज में आए, उस लीला का वर्णन है इसमें। प्रेमस मजरा पृष्ठ संख्या 125 पर संख्या 6 आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिएगा। एक योगी अलख पुकार हाँ पुकार एक योगी अलख पुकार द्वार एक गुरुजी अलख पुकार हाँ पुकार करके ब्रज की गलियों में घूम रहे हैं और घूमते घूमते मैया के द्वार पर आके खड़े हो गए और अलग 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 कह के पुकार रहे हैं। तो उधर एक ब्रजांगना मैया के पास आकर बोली, अरे मैया तुम्हारे द्वार पर एक योगी अलग अलग करके पुकार रहा है। चंद्र भाल गल मुंड माल भल शीश गंग जलधार। तो शंकर जी के वेशभूषा का वर्णन कर रही है वो सखी कि उनके भाल पर चंद्रमा विराजमान है, गले में मुंड माला का हार पहने हुए हैं और सिर पर गंगा जी बह रही हैं। रिपु अनंग प्रति अंग भुजंगन रंग शुभ्र बलियार और जिनके शत्रु कामदेव हैं और उनके पूरे शरीर में भुजंग माने सांप लपटे हुए हैं, रंग शुभ्र बलिहार और उनका रंग गोरा है। नाम शंभु अरु ठाव बतावत गिरि कैलाश मझार और वो अपना नाम शंभु बता रहे हैं और अपना गांव कैलाश पर्वत बता रहे हैं। तो घर ते निकरी महारी यशुमति ते ही पूछत करी सत्कार। तो घर से यशोदा मैया निकल कर सत्कार पूर्वक पूछ रही हैं योगी से यानी शंकर जी से, सुनहु अमंगल भेष भये मम मंगलमय सुकुमार। हे अमंगल भेषधारी योगी महाराज, आज मेरे घर में मंगलमय सुकुमार का जन्म हुआ है यानी एक छोटे से लाला का जन्म हुआ है। तो याते जो चाहू सो मांगहू मणिन मोतियन थार। आज हम बड़े प्रसन्न हैं कि हमारे घर में एक लाला आया है, पुत्र का जन्म हुआ है, तो इस खुशी में तुम मणिन मोतियों के थाल जो चाहे हमसे मांग लो वो हम तुमको दे देंगे। तो जोगी ने कहा, जोगी कहा मैया मैं जोगी मोही ना चाहिए संसार। अरे मैया मैं तो विरक्त हूँ, मैं योगी हूँ, मुझे संसार का सामान नहीं चाहिए, ये मणि मोती नहीं चाहिए मुझे। अगर कुछ देना है तो क्या दे, यह भीख दे माए कृपा करी लखो लाल एक बार। अरे मैया ये मणि मोती नहीं चाहिए मुझे, अपने लाल का एक बार मुझे दर्शन करा दे, बस मुझे ये चाहिए, इसलिए मैं आया हूँ। तो मैया क्या कहती है, मैया कहा मम लाल डरे गो जोगी ते ही निहार। मैया कह रही है,
अरे अमंगल वेशधारी जोगी, तुम्हारा जो ये वेश है इतना अमंगल है, इसको देखकर मेरा छोटा सा लाला डर जाएगा, इसलिए मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। तो शंकर जी कहते हैं, सुनो मैया यह लाल तिहारो सगुण ब्रह्म साकार। अरे मैया, ये साधारण बालक नहीं है, ये तो सगुण ब्रह्म ने तेरे घर में अवतार लिया है। तो मैया कहती है, तुम तो जोगी अलख अलख कह पुनि किमि लख करतार। तो मैया कहती है, अरे जोगी तुम तो अलख 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 का नारा लगा रहे हो, यानी जो निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं ना, वो कहते अलख 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 अलख, माने जिसको देखा ना जा सके, जो निराकार होता है उसको अलख कहते हैं। तो मैया कहती है, तुम कैसे दर्शन करोगे, अगर मैं दिखा भी दूं अपने लाल को तो कैसे दर्शन करोगे, तुम तो अलख अलख कह रहे हो। तो मैया, तुम तो जोगी अलख अलख कह पुनि किमि लख करतार, तो फिर तुम कैसे उसका दर्शन करोगे। तो शंकर जी क्या कह रहे हैं, मैया अलख ना कहो कहो हो। अरे मैया, मैंने अलख नहीं कहा, क्या कहा, आलख आलख। अरे सगुण साकार ब्रह्म मूर्तिमान अवतार लेकर आया है, तो उसका दर्शन कर लो, उसका दर्शन कर लो, उसका दर्शन कर लो। तो मैया अपने लाला की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो गई। तो लाई लाल यशोमती भोरी, और भोली वाली यशोदा मैया छोटे से लाला को दर्शन कराने के लिए अपनी गोदी में ले आई, और हरि हर दृग भय चार, और दोनों के भक्त और भगवान दोनों की आंखें चार हो गई, यानी आंख से आंख मिल गई। शंकर जी की अपने आराध्य बाल गोपाल से उनकी आंखें मिली, और बस दोनों आनंद विभोर हो गए। लखी कृपालु ये मधुर मिलन का कोटि प्राण दऊ मार। श्री महाराज जी कहते हैं, भक्त और भगवान का ये मिलन देखकर उन पर अपने प्राण निछावर करता हूँ मैं। ये इस पद का भावार्थ है। एक योगी अलख पुकार, हाँ पुकार, एक योगी अलख पुकार द्वारे, एक योगी अलख पुकार, हाँ पुकार, एक योगी अलख पुकार द्वारे, एक योगी अलख पुकार।
सुखता